पास जो विक्टिम्स आए हैं वो हाथ जोड़कर रो रहे हैं, डीएम साहब वो हाथ जोड़कर रो रहे हैं कि प्लीज पुलिस को मत बताइएगा, वो छुप छुप कर आ रहे हैं। 10 से ज्यादा विक्टिम ऐसे हैं जो यहां बाहर पुलिस देखकर वापस चले गए, वो फोन कर रहे हैं। इतना फेयर कैसे होगा? पुलिस का खौफ होना चाहिए कि पुलिस पर विश्वास होना चाहिए। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, लोगों के घर बंद कर दिए हैं, आपको इसको इंश्योर करना है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को वोट देने के कारण पुलिस पीड़ितों पर अत्याचार कर रही है। इतना ही नहीं, हिंसा पीड़ितों को शिकायत दर्ज कर ना करने की धमकी भी बंगाल पुलिस की ओर से दी जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा की अब जांच NHRC कर रही है। तो कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बंगाल हिंसा की जांच को लेकर 7 सदस्य समिति का गठन NHRC की ओर से किया गया है, जो पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। और आपको बता दें, पहली रिपोर्ट NHRC अपनी कोलकाता हाईकोर्ट में सौंप चुकी है, लेकिन जल्द ही आने वाले वक्त में दूसरी रिपोर्ट जो कि विस्तृत रिपोर्ट होगी वो NHRC की टीम कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपेगी। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा NHRC की टीमें कर रही हैं, और हाल ही में आपको बता दें मुर्शिदाबाद जहां हिंसा आगजनी और लूटपाट की खबरें सामने आई थी, उस इलाके का दौरा NHRC की टीम ने किया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष NHRC की इस टीम का हिस्सा है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हालात बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें मुर्शिदाबाद के SP से उन्होंने बातचीत की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनता पुलिस से डरी हुई है, उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने BJP को वोट दिया था। जो वीडियो सामने आया है SP से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ये कह रहे हैं कि दरअसल पुलिस का खौफ होना जरूरी है या फिर विश्वास, ये सवाल उन्होंने SP से किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की पानी की पाइपलाइन काट दी गई है और राशन उन्हें नहीं मिल रहा है, डेथ सर्टिफिकेट लोगों को नहीं मिल पा रहा है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। तो ये तमाम बातें उन्होंने SP से की है और जाहिर तौर पर जवाब भी मांगा है कि पिछले इतने दिनों से हिंसा का ये दौर पश्चिम बंगाल में चल रहा है। अगर बात मुर्शिदाबाद की भी की जाए तो मुर्शिदाबाद में भी लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, जहां BJP कार्यकर्ताओं पर बम फेंककर हमला किया गया है, उनकी जान लेने की कोशिश की गई है और कई कार्यकर्ताओं की हत्या भी की गई है। उस पर जवाब NHRC की टीम के सदस्य ने मांगा है और पूछा है कि आखिर पिछले 2 महीनों में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, आखिर क्यों FIR दर्ज कर ली गई लेकिन उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं हो पाई है, आखिर क्यों गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। ये तमाम सवाल जो है NHRC की टीम के सदस्य की ओर से मुर्शिदाबाद के SP पर दागे गए हैं। और हिंसा को लेकर सवाल पूछा गया है कि जिस पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि वो विश्वास दिलाए कि पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन उस पुलिस से ही वहां के जो पीड़ित परिवार हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो डरे हुए हैं और अपनी शिकायत तक दर्ज नहीं करा पा रहे, तो इसको लेकर उनकी तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है और ये मांग की गई है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन इन पूरे मामलों में होनी चाहिए। ये साफ तौर पर आदेश जो है वो SP को दिया गया है। पश्चिम बंगाल में लगातार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही है। अगर बात आतिफ रशीद की जाए तो NHRC टीम का हिस्सा है, लेकिन हाल ही में जब वो जादवपुर में पहुंचे थे तो उन्हें निशाना भी बनाया गया था, TMC के गुंडों ने उन पर हमला किया था। जब वो वहां पीड़ितों के घरों की तस्वीरें ले रहे थे, उनका जायजा ले रहे थे कि आखिर किस तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया है, आगजनी घरों में की गई है, इन तमाम जो हकीकत है बंगाल हिंसा की उसका जायजा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ये 7 सदस्य समिति लगातार ले रही है, बंगाल के अलग अलग इलाकों में दौरा कर रही है। और अब आपको बता दें जो ये टीम है ये दरअसल मंगलवार से शुक्रवार तक रशीद, मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंसा से पीड़ित इलाकों में पीड़ितों से बातचीत करेगी, उनकी शिकायतें क्या है वो सुनी जाएंगी, उन्हें दर्ज किया जाएगा
का, और इसी टीम के जो सदस्य हैं वो आतिफ रशीद हैं, जो लगातार बड़े खुलासे पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर कर रहे हैं। अपनी रिपोर्ट अब तैयार एनएचआरसी कर रही है और आने वाले वक्त में 13 जुलाई तक ये रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपनी है। जाहिर तौर पर कोलकाता हाईकोर्ट एनएचआरसी की इस रिपोर्ट पर संज्ञान भी लिया किया है। उन्होंने ये आदेश सुनवाई के दौरान दिया था कि दरअसल राज्य में जो पुलिस है वो पीड़ितों की शिकायतें दर्ज करे। इसके अलावा आपको बता दें, ममता बनर्जी सरकार को भी कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा गया था कि दरअसल राशन की व्यवस्था जो है वो पीड़ितों के लिए की जाए, उनके पुनर्वास के लिए तमाम कदम उठाए जाए। इसको लेकर पहले ही कोलकाता हाईकोर्ट आदेश दे चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि दरअसल वो नहीं चाहती है कि बंगाल में हिंसा के जो पीड़ित हैं उनकी शिकायतें दर्ज हों, उन्हें वहां इंसाफ मिले और उन्हें राशन भी मिले। यही वजह है कि हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट का रुख ममता सरकार की ओर से किया गया और यह मांग की गई कि दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट अपना ये आदेश वापस ले ले। तो ये फिलहाल पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जहां एक तरफ बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है और ममता बनर्जी मुश्किलों में फंसी हुई है, क्योंकि हिंसा को लेकर कोई कदम ममता सरकार की ओर से नहीं उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो जांच है वो भी ममता बनर्जी पर भारी पड़ रही है। और आपको बता दें, अभी तक एनएचआरसी की टीम को जो बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई है उसमें जो शिकायतें मिली हैं वो 1600 से ज्यादा शिकायतें हैं। ये एनएचआरसी की ओर से ही जानकारी दी गई है और वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि 24 जून से लेकर अब तक इस टीम ने 9 जिलों में 34 जगहों का दौरा किया है और कथित तौर पर हत्या और हिंसा की घटनाएं जो हैं वो दर्ज की गई है। एनएचआरसी की टीम ने अपनी पहली रिपोर्ट 30 जून को कोलकाता हाईकोर्ट में सौंप दी थी, लेकिन अब जल्द ही ये जो 7 सदस्य समिति है ये अपनी रिपोर्ट जो दूसरी रिपोर्ट है वो कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपेगी, जिसके बाद बंगाल हिंसा को लेकर आखिर कोलकाता हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगी इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन ममता बनर्जी इतनी ज्यादा बौखलाई हुई हैं कि एनएचआरसी की टीम को बंगाल हिंसा की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन उस पर भी वो सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा है कि इस टीम की निष्ठा और राजनीतिक निष्पक्षता को लेकर बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी की बौखलाहट है जो लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल ये लगातार देखने को मिल रहा है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने जब एनएचआरसी को इस हिंसा की जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी तो उस वक्त राज्य सरकार को ये साफ तौर पर निर्देश जो है वो दिए गए थे कि सुरक्षा एनएचआरसी की टीम के लिए राज्य सरकार मुहैया कराए। लेकिन एनएचआरसी की जो टीमें पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही हैं, फिर चाहे वो मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, हुगली, हावड़ा और कोलकाता के अलग अलग जिलों के हिस्सों में भी वो पहुंच रही है और वहां उन पर जिस तरीके से हमला हुआ जादवपुर में वो दिखाता है कि किस तरीके से जो सुरक्षा है वो उन्हें मुहैया नहीं कराई जा रही है। एनएचआरसी की टीम के सदस्य आतिफ रशीद जब जादवपुर पहुंचे थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल अगर हमें ही लोकल पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है, अगर हमारी ही सुरक्षा के लिए लोकल पुलिस नहीं है तो आखिर आम जनता जो है, जो पीड़ित परिवार है, वो किस हाल में इस वक्त पश्चिम बंगाल में जीवन यापन कर रहे होंगे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। तो बंगाल हिंसा को लेकर लगातार सवालों के घेरे में ममता बनर्जी हैं और कोलकाता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बंगाल हिंसा को लेकर कड़ी फटकार ममता बनर्जी को लगाई जा रही है। जवाब कई नोटिस ममता बनर्जी को मिल चुके हैं जिस पर बंगाल हिंसा को लेकर जवाब मांगा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन एनएचआरसी की टीम की अब ये रिपोर्ट जो है, जो कोलकाता हाईकोर्ट में पेश हुई है, ये ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं और लगातार हिंसा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं आने वाले वक्त में कोलकाता हाईकोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि 13 जुलाई जब कोलकाता हाईकोर्ट में एनएचआरसी अपनी पूरी रिपोर्ट
बंगाल हिंसा को लेकर दायर करेगी तो क्या कुछ फैसला कोलकाता हाईकोर्ट बंगाल हिंसा को लेकर सुनाएगी। जाहिर तौर पर बंगाल में जिस तरीके का शासन चल रहा है, जिस तरीके से क्रूर शासन ममता बनर्जी कर रही है, वहां महिलाओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, के साथ अपराध किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके उन्हें धमकियां दी जा रही है, पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है, जिसका जिक्र एनएचआरसी की टीम के सदस्य आतिब रशीद की ओर से भी एसपी से बातचीत करते हुए किया गया है कि दरअसल एक तरफ वहां बीजेपी वोटर्स जो हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बंगाल की पुलिस उन्हें उनकी शिकायतें भी दर्ज नहीं कर रही हैं, ऊपर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। तो ये हालात हैं बंगाल के, जिसकी सच्चाई अब एनएचआरसी की टीम बयां कर रही है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनसे साइन कराए गए हैं कि आने वाले वक्त में वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उनकी पानी की पाइपलाइन काट दी गई है, उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है, उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ये तमाम ऐसी कटियां हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी फिलहाल मुश्किलों में घिरी हुई है। लेकिन हिंसा का ये दौर अभी भी जारी है। कोलकाता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान बंगाल हिंसा को लेकर ले चुका है और यही वजह है कि अब राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल में हो रही है। तो फिलहाल एनएचआरसी की टीम की ये अंतरिम रिपोर्ट जो है, ये विस्तृत रिपोर्ट जो है, इसका इंतजार हर किसी को है। लेकिन बंगाल हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के सदस्य जो बड़ा खुलासा कर रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी ये तालिबानी शासन कर रही हैं। लाल, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।